Shall I start? Hello? Yes, ma'am. Shall I start? Okay. Kandav? Yes, ma'am. Are you here? Yes, ma'am, I'm here. वर एट द नाइन्थ पॉइंट ओके जो मॉडल में समझा रही थी साधारणीकरण का ठीक है नाइन्थ पॉइंट लिखवाओ प्रतिक्रिया ओके प्रतिक्रिया डैश प्रोसेस ऑफ फीडबैक ओके गाइस इतना हो गया नाइन्थ पॉइंट तक यस मैम सो बेसिकली जो मैम आवाज नहीं किसको नहीं आ रही आवाज आ रही है हेलो किसको नहीं आ रही आवाज मुस्कान ठीक है अभी आया अभी आया आवाज आई यस मैम ठीक है तो अभी नाइन्थ पॉइंट में दोबारा से रिपीट कर रही हूँ सब लोग अपना ऑडियो म्यूट कर दो प्लीज नाइन्थ पॉइंट इज प्रतिक्रिया हिंदी में भी लिख सकते हो इंग्लिश में है PRATIKRIYA प्रतिक्रिया डैश प्रोसेस ऑफ फीडबैक ठीक है गाइस हो गया इतना सब लोगों को समझ आ गया एवरीबडी यस नो नो यस अब होता क्या है yes, ये जो बेसिकली ठीक है साधारणीकरण का मॉडल जो है वो 2003 में आया ठीक है लेकिन साधारणीकरण की जो प्रोसेस है वो किस टाइम पे स्टार्ट हुई थी बीसी टाइम पे एडी टाइम पे ठीक है जब हमारे कह सकते हो कि भरत मुनि थे जिनके जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी तो इन दोनों चीजों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखना साधारणीकरण जो है वो हमारा नाट्य शास्त्र से आया जो कि बीसी एंड एडी के टाइम पे था ठीक है लेकिन जो उस प्रोसेस को आगे कह सकते हो कि और इनहेंस किया गया और कम्युनिकेशन को लोगों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए 2003 में इसको प्रोसेस करके इस मॉडल को तैयार किया गया साधारणीकरण मॉडल को ठीक है अदरवाइज लोग क्या करते हैं जब आप मे बी आपके एग्जाम में भी आप हो सकता है कि इस चीज में कंफ्यूजन में आ जाओ और इसको नाटक यू नो साधारणीकरण को उसी के साथ जोड़ के लिख दो के मॉडल जो है भरत मुनि ने ही किया था और मॉडल जो है भरत मुनि के हिसाब से लिखा गया है भरत मुनि के हिसाब से मॉडल नहीं लिखा गया है नाट्य शास्त्र से जो हमारा साधारणीकरण का कॉन्सेप्ट आता है जो कि भटनायका ने हमारे को इन्वेंट किया या आइडेंटिफाइड किया था उसके बाद जो 2003 में इस मॉडल की जो रचना की गई है वो बिल्कुल डिफरेंट है ठीक है इस मॉडल के थ्रू बताया गया है कि जब भी कोई कम्युनिकेशन होती है तो उनमें ये नौ तरह के मतलब साधारणीकरण अगर कम्युनिकेशन में होता है तो ये नौ तरह की चीजें जो हैं उसमें आती ही आती हैं ठीक है बच्चों इतना समझ आ गया साधारणीकरण जो है वो एक कंसेप्ट है वो थ्योरी है ठीक है उसको इसके साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है जो मॉडल मैंने अभी बताया है इतना समझ आ गया यस मैम Raise your hand, guys. ठीक है अब जो है मैं छोटा छोटा वन लाइनर सिर्फ इस मॉडल में जो मैंने आपको अभी बताया है उसका छोटा छोटा वन लाइनर डेफिनेशन बताती जाऊंगी फर्स्ट जो आपको बताया है सहृदयास का क्या मतलब होता है सेंडर एंड रिसीवर मतलब कि कैपेसिटी ऑफ द सेंडर एंड कैपेसिटी एंड एबिलिटी ऑफ द रिसीवर इसमें दोनों ही इंपॉर्टेंट है अगर सेंडर की कैपेसिटी नहीं होगी क्लियर वे में मैसेज को पास ऑन करने की तो हो सकता है सेंडर के जो मैसेज है वो रिसीवर को रिसीव ना हो अगर रिसीवर की एबिलिटी नहीं होगी तो वो हो सकता है कि मैसेज को अच्छे से रिसीव ना कर सके यानी कि जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल ना हो पाए तो सहृदयास जो है उसमें दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है ठीक है सेंडर एंड रिसीवर उसके बाद आता है
ठीक है गाइस, भावा, भावा सेकंड पॉइंट है। भावा में क्या होता है, भाव में अगर आपने जो भी एक्सप्रेशन, जो भी कम्युनिकेशन करना है उसमें अगर आपका इमोशंस नहीं होगा तो वो कम्युनिकेशन यूजलेस है। आपके साथ फॉर इंस्टेंस आप अभी मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ, अगर मेरी कम्युनिकेशन जो मैं आपको बता रही हूँ वो समझ ही नहीं आएगा तो जो मैं बताया, जो मैंने समझाया वो मेरा यूजलेस है। सो कम्युनिकेशन में जो भाव है उसका प्रेजेंटेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन एकदम परफेक्ट वे में होना चाहिए। आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है अभी। अच्छा ठीक है, मे भी हो सकता है अभी। ठीक है अभी सही है आवाज? ठीक है मैम, कट रही है आवाज। अभी मैं जो बता रही हूँ उसमें मैं भाव बता रही हूँ, जो दूसरा नंबर मैंने आपको बताया मॉडल का भाव। ठीक है, भाव का मतलब है कि जिस जो भी आप जिस भी भाव से अपनी कम्युनिकेशन को कर रहे हो, यानी कि जिस भी इमोशन से, जिस भी थॉट से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो अगर क्लियर नहीं होगा तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो यूजलेस होगी। ठीक है, उसके बाद पॉइंट क्या था थर्ड नंबर बताओ कोई, एनीबॉडी? मैंने अभी लिखवाया है थर्ड नंबर, प्रेरणा थर्ड नंबर क्या लिखवाया? अभिव्यंजना। राइट, और उसके आगे क्या लिखवाया था? एक्सप्रेशन और एनकोडिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, कोई गैस करना चाहेगा? तो अपने आप को एक्सप्रेस करना या मैसेज को तो अपनी भाषा में इनकोड करना। ठीक है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जब भी आप किसी से बात करते हो तो किस तरह से मतलब अभिव्यक्त करते हो, हिंदी में अगर वर्ड किया जाए, अगर बात की जाए। अभिव्यंजना मतलब आप जब भी किसी से बात कर रहे हो तो आपके चेहरे पर या आपके दिमाग में एक एक्सप्रेशन जरूर होता है जिसके थ्रू आप अपना कम्युनिकेशन करते हो। अगर वो एक्सप्रेशन होगा तभी जो आपकी कम्युनिकेशन है वो साधारण होगी, वो सिंपल होगी। ठीक है, किसी का ऑडियो अनम्यूट है, प्लीज ऑडियो म्यूट कर दो क्योंकि आवाज आ रही है, नॉइज आ रही है। इसके घर में टीवी चल रहा है, शुभम भारती इसके घर में टीवी चल रहा है। शुभम टीवी चला रखे हो? शुभम आपने टीवी चलाया हुआ है? कोई आंसर नहीं। नो मैम, नो मैम। तो नॉइज कहाँ से आ रहा है, नॉइज कहीं से आ रहा है? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट बताइए। नेक्स्ट पॉइंट अभिव्यंजना के बाद संदेशा। संदेशा का मतलब आगे क्या लिखवाया था? मैसेज और इन्फॉर्मेशन। चैनल लिखवाया होगा? नो मैम, मैसेज और इन्फॉर्मेशन। सरानी का लिखवाया आपने? नहीं, फोर्थ नंबर मैंने पूछा, फोर्थ नंबर बताओ। संदेशा, संदेशा मैसेज और इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब बताओ। मतलब मैसेज का मतलब क्या होता है? किसी को एसएमएस करते हो तो क्या करते हो? टेक्स्ट के थ्रू कम्युनिकेशन, टेक्स्ट के थ्रू कम्युनिकेशन। हाँ, टेक्स्ट के थ्रू करते हो, लेकिन क्या लिखते हो उसमें? जो भी लिख रहे होते हो उसमें क्या क्या रिफ्लेक्ट होता है मैसेज में? फॉर इंस्टेंस मैं किसी से बात कर रही हूँ किसी भी बारे में, किसी भी चीज को लेकर, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं एक अपना अपने अंदर का जो चीज है, मतलब अपनी अपने जो थॉट्स हैं उसको एक्सप्रेस कर रही हूँ। ठीक है, जो दूसरा हमारे पास जो सामने खड़ा हुआ रिसीवर है, मैं सेंडर हूँ, मेरे सामने एक रिसीवर खड़ा है, उसको जो मैं पास ऑन कर रही हूँ वो क्या कहलाएगा? एक मैसेज कहलाएगा। ठीक है, जो मैंने दिया वो एक उसके लिए इंफॉर्मेशन है, वो उसको रिसीव करेगा और तभी उसके आगे की जो भी उस पर कह सकते हो कि आगे जो कम्युनिकेशन को रिसीव करने के बाद एक्शन होगा वो उसके बाद होगा। तो हमारा जो मैसेज है वो क्या होना चाहिए? सिंप्लीफाई होना चाहिए, वेरी सिंपल होना चाहिए। अगर मैसेज क्लियर नहीं होगा, अगर आप मैसेज जो है कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैनिपुलेटिव होगा, तो वो शायद हो सकता है रिसीवर तक अच्छे से पहुंच ही ना पाए। ठीक है, सारणी, सारणी यानी चैनल, चैनल यानी कि आप कभी भी कौन बोला? मैम एक बार, मैम भूमिका, मैम भूमिका। हाँ बोलो भूमिका। मैम एक बार अभिव्यंजना एक बार दोबारा से रिपीट कर दो, मैंने नोट नहीं करा। अभिव्यंजना, अभिव्यंजना का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैंने जो लिखवाया था, क्या लिखवाया था आप बताओ, आपने लिखा होगा अभिव्यंजना? मैम अभिव्यंजना में लिखा एक्सप्रेशन एंड एनकोडिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन मतलब जब भी आप
हाँ बोलो जेस्चर बोलो जेस्चर हमारे हाँ जेस्चर बॉडी लैंग्वेज ठीक है आप जो भी चीजें इस्तेमाल करते हो जब किसी से बात करते हुए एक्सप्रेशन जो होता है आपकी लैंग्वेज में सिंपल होना चाहिए ठीक है ऐसा होना चाहिए कि उसे इनकोड जो आप कर रहे हो इनकोडिंग मतलब जो आप मैसेज दे रहे हो वो सिंपल होगा तभी आपका जो रिसीवर है उस कम्युनिकेशन को उस मैसेज को एक्सेप्ट कर पाएगा समझ पाएगा पढ़ पाएगा अदरवाइज क्या होगा वो उस चीज को नहीं समझ पाएगा कि आपने क्या बोला सो अभिव्यंजना मतलब आपका जो भी आप जो भी इंफॉर्मेशन कर रहे हो उसमें एक्सप्रेशन होना जरूरी होता है एक्सप्रेशन नहीं होगा तो कम्युनिकेशन ही नहीं हो सकता है ठीक है ठीक है गाइस इतना समझ आ गया संदेशा मैसेज एंड इंफॉर्मेशन समझ आ गया सारणी इज अ चैनल चैनल हेलो फिफ्थ नंबर में बता रही हूँ किस किस को यहाँ तक क्लियर है फिफ्थ नंबर फोर्थ तक फोर्थ तक क्लियर है एवरीबॉडी यस योर हैंड ठीक है ठीक है ठीक है अब उसके बाद आ गया चैनल चैनल यानी कि चैनल का क्या मतलब है मीडियम मीडियम मतलब आप कम्युनिकेशन करते हो तो आपको क्या चाहिए होता है कोई सोर्स चाहिए होता है ना कम्युनिकेशन करने के लिए फॉर इंस्टेंस मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मेरा मीडियम क्या है मेरा मीडियम क्या है अभी इस कम्युनिकेशन में मेरा चैनल क्या है माय वॉइस इज माय चैनल नो 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 माय वॉइस इज माय चैनल मेरा सोर्स क्या है मैं अपने वॉइस के थ्रू कर रही हूँ ना अभी बात ठीक है अभी मैं अपनी वॉइस का इस्तेमाल कर रही हूँ सो दीज आर चैनल में मेरा आपका मेरा और आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है मेरी आवाज के थ्रू हो रहा है इसमें कोई वैसा वाला कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है जिसमें मैं आपको लेटर के थ्रू दे रही हूँ लिखकर या एक नोटबुक दे दिया या टेक्स्ट लिख दिया ठीक है टेक्स्ट के थ्रू नहीं हो रहा है जो भी सारणिक में जो चैनल है मेरा सिंप्लिसिटी क्या होती है देखो सिंप्लिसिटी ये होती है जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उसमें किसी भी तरह का लिखित वाला काम ना हो लिखित यानी कि कोई टेक्स्ट ना हो कोई यू नो मैन्यूस्क्रिप्ट ना हो कोई ट्रांसलेशन ना हो क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हो या फिर आप जब मैन्यूस्क्रिप्ट कर रहे हो तो उसमें वो जो कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट वे हो जाता है वो डिफरेंट इसलिए हो जाता है वो सिंप्लीफिकेशन वाला कम्युनिकेशन नहीं बचता है कम्युनिकेशन सिंप्लीफिकेशन वाला जो होता है वो होता है टॉकिंग ठीक है एक दूसरे से जब हम बात करते हैं दैट इज अ सिंपल वे टू टॉक और कम्युनिकेट तो अभी जो मेरा चैनल है वो मेरा वॉइस है जिसके थ्रू मैं आपसे बात कर रही हूँ मेरी वॉइस सिंपल होनी चाहिए क्लियर होनी चाहिए प्रिसाइज होनी चाहिए ठीक है गाइस इतना समझ आ गया यस मैम यस नो नो ठीक है उसके नेक्स्ट आता है सिक्स नंबर रस वंदना ठीक है रस वंदना का क्या मतलब है क्या लिखवाया है मैंने रिसीविंग और डिकोडिंग ठीक है इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे फॉर इंस्टेंस मैं रो रही हूँ ठीक है और मेरे साथ मेरा कोई फ्रेंड है और मैं रो रही हूँ तो जो मेरा एक्सप्रेशन है यानी कि जो मेरा भाव है वो समझ सके क्या समझ सके कि मैं दुखी हूँ मुझे किसी चीज से प्रॉब्लम है इसलिए मैं रो रही हूँ इस चीज को अगर वो समझ पा रहा है तो ये एक सिंपल लैंग्वेज हो गया एक सिंपल कम्युनिकेशन हो गया सिर्फ मेरे एक भाव से यानी कि मेरे सिर्फ रोने से अगर वो मेरी बात को समझ रहा है कि हाँ ये दुखी है This is like दुखी है इतना समझ लेना भी is a communication ठीक है अगर मैं हंस रही हूँ तो कोई मेरे को सिर्फ हंसते हुए देखकर भी अगर ये समझ ले कि मैं खुश हूँ तो this is also a communication so basically I am decoding my thoughts I am decoding everything like जो मेरा जो भी communication का वो है तरीका है उसको मैं भाव के थ्रू रस वंदना के थ्रू यानी कि उसमें मैं अपने रसों का रसी रस जो मैंने आपको समझाया उसका इस्तेमाल करते हुए इस कम्युनिकेशन को सिंप्लीफाई कर रही हूँ उसको कॉमन बना रही हूँ जो मैं आपको भी समझ पाए या कोई भी मेरे साथ होगा वो उसे इजीली समझ पाएगा ठीक है गाइस उसके बाद आता है दोषास दोषास इज वेरी सिंपल दोषास इन द सेंस बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में जो आते हैं वो सारे दोषास होते हैं मतलब साधारणीकरण में भी दोषास होते हैं जैसे मैं अगर बात कर रही हूँ और मेरा जो वे है वो कुछ ट्रिकी हो गया तो आपको हो सकता है वो बात समझ ना आए तो दीज आर द नॉइजेस उसके बाद आता है क्या आता है उसके बाद संदर्भ मींस कॉन्टेक्स्ट मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ ठीक है मेरा क्या बात करने का वो क्या है वजह क्या है बेसिकली क्या वजह है मैं बात कर रही हूँ अभी आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट अलग होता है जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट अलग होता है टीचर से बात करते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट अलग होता है सो एवरी कम्युनिकेशन हैज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट तो आपका जो संदर्भ है वो सिंपल होना चाहिए अगर सिंपल है तभी वो साधारणीकरण की मॉडल में फिट होगा ठीक है इतना क्लियर मतलब रीजन नहीं कॉन्टेक्स्ट इज वजह
वजह, किस वजह से आप बात कर रहे हैं? कौन बोला? भूमिका बोली थी, भूमिका आप बोले थे मैम, यही बस यही पूछना था मैम। यस मैम, मैंने पूछा था। हाँ भूमिका, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है बाबा? मतलब आप जो अपनी जो कम्युनिकेशन कर रहे हो उसको किस संदर्भ में कर रहे हो, मतलब आप जो बात कर रहे हो वो किस वजह से कर रहे हो और वो कितनी इफेक्टिव है, किस कितने इफेक्टिव वे में वो वजह जो है आपकी जो बात करने की है वो दूसरे इंसान तक पहुंच पा रही है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे आप मेरे से बात करोगे, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो आप डिफरेंट वे में बात करोगे। आपके मेरे से बात करने की वजह हो सकती है स्टडी हो, ठीक है, लेकिन आपके पेरेंट्स से बात करने की जो वजह होगी वो अलग होगी, वो उसके पीछे कुछ अलग कंसर्न है, उसके पीछे अलग केयर है। ठीक है, वो एक पर्सनल और फैमिली वाला थॉट है, उसमें जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो अलग होगा। सो संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट जो आपका डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, ठीक है गाइस। उसके बाद आता है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब है फीडबैक। जब भी आप किसी तरह का भी कम्युनिकेशन करते हो, आपको आगे से जो रिसीवर है उसकी तरफ से रिस्पांस मिलता है ना, कोई भी रिस्पांस, कोई बोलता है यस आई गॉट यू, आई गॉट द पॉइंट, यू नेल्ड इट, इस तरह की जो रिस्पॉन्सेज है, इसका क्या मतलब है कि जो आपका रिसीवर है उसे आपका जो मैसेज है वो पहुंच गया। ठीक है, और वो आपको फीडबैक दे रहा है कि हाँ मुझे तेरी बात समझ आ गई है। ठीक है गाइस, yes, इतना क्लियर है? सो नाइन पॉइंट्स आर क्लियर, आई मीन टिल दिस पॉइंट एवरीबॉडी इज क्लियर? अभी कोई मॉडल में कंफ्यूजन नहीं है? यस नो, रेज योर हैंड गाइस। ठीक है, ठीक है, और सबने नोट इट डाउन करा है ना? अगर मैं इसको असाइनमेंट में दूंगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? नो मैम। नो मैम, ठीक है, नो मैम, इस चीज़ असाइनमेंट। अभी पिछला असाइनमेंट मेरे पास किसी का नहीं आया, पता है तुम लोगों ने? कोई नहीं भेजा है, किसी भी बच्चे ने नहीं भेजा है जो मैंने नाट्य शास्त्र के बारे में बोला था। मैम ने भेज दिया मैम, कुछ लोगों का आया लेकिन काफी सारे लोगों का नहीं आया। चलो अब हम आगे, हाँ ठीक है, अब हम आगे आते हैं कंक्लूजन पे। ठीक है, कंक्लूजन ऑफ दिस साधारणीकरण लिख लीजिए, कंक्लूजन ऑफ साधारणीकरण, पॉइंटर बना लो अपने। इसमें तीन चार पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट करेंगे कवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, हो गया? स्टार्ट करूं? यस मैम। ठीक है, अब जो हमारा साधारणीकरण कॉन्सेप्ट है जो कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से उठाया गया, उसके बाद जो हमारा जो ये जो नाट्य शास्त्र के थ्रू जो आया वो हमारा बेस था, लेकिन उसके बाद जो ये मॉडल बना, ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या रहता है? कंक्लूजन ये रहता है कि आपकी जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, बेसिकली जो भी कम्युनिकेशन रिसीवर एंड सेंडर के बीच में हो रही है, वो चाहे इंटरनल हो चाहे इंट्रापर्सनल हो, वो बहुत सिंपल होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए। ठीक है, दैट कम्युनिकेशन शुड बी प्रिसाइज एंड सिंपल। ठीक है, फॉलोइंग दीज स्टेप्स, मतलब जो भी आपने कम्युनिकेशन के स्टेप्स को फॉलो करा है उनको फॉलो करते हुए सिंपल होनी चाहिए। दूसरी चीज, ये जो मॉडल है वो आपके कह सकते हो कि लाइफ के तीनों डायमेंशंस को कवर करता है। ठीक है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे आपका स्पिरिचुअल हो, तीनों डायमेंशंस को कवर करता है। यानी कि आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, चाहे उसमें फिजिकल यानी कि जेस्चर का इस्तेमाल कर रहे हो, मेंटल यानी कि आपके माइंड्स में जो थॉट्स आ रहे हैं आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो थ्रू योर इमोशंस, थ्रू योर फीलिंग्स। ठीक है, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब जब भी आप अपने आप से कनेक्ट होते हो, जो मैंने फर्स्ट क्लास में समझाया था इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें आप खुद से बात कर रहे हो, यू हैव द कम्युनिकेशन बेसिकली जो आप खुद अपने इनर उससे सॉल से बात करते हो। जब स्पिरिचुअल वे में आप ऊपर भगवान से कनेक्ट होते हो या आप योगा के थ्रू किसी चीज से कनेक्ट होते हो, इन चीजों तीनों चीजों को सिंप्लीफाई तरीके से जो कम्युनिकेशन होती है वो साधारणीकरण में आती है। ठीक है, मतलब बेसिकली साधारणीकरण जो कॉन्सेप्ट है वो इन तीनों चीजों को फुलफिल करता है। ठीक है गाइस? यस मैम। ठीक है, तीसरी चीज जो आती है, जो साधारणीकरण जो आपका है, बेसिकली जो कम्युनिकेशन में साधारणीकरण है वो हर चीज से आपको कह सकते हो कि रिलेट, मतलब
सक्सेसफुल कम्युनिकेशन का पार्ट है, चाहे वो आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लैंग्वेज आपको कोई भी आती हो या किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, कल्चर कोई भी आपका हो, किसी भी आप कह सकते हो कि प्रिवलेंट जो आपका एरिया है उसको वो सक्सेसफुली फुलफिल करता है साधारणीकरण, उसमें किसी भी तरह की बैरियर नहीं है। अगर आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप सिंपल वे में बात कर रहे हो, कोई भी उसको समझ सकता है, ठीक है। आपको अगर इंग्लिश नहीं, आपको इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती, कोई बात नहीं, इंग्लिश में बात कर रहे हो, थ्रू फीलिंग्स कर रहे हो, रस इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें रसास का इस्तेमाल कर रहे हो, इमोशंस इस्तेमाल कर रहे हो, जेस्चर्स इस्तेमाल कर रहे हो, यानी यू आर डूइंग योर कम्युनिकेशन इन अ सिंपल वे। ठीक है गाइस, इतना समझ आ गया अभी तक? तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द दिस बेसिकली साधारणीकरण कॉन्सेप्ट एंड द मॉडल। ठीक है, अभी ये साधारणीकरण आपका फिनिश। अब हम नेक्स्ट करेंगे बेसिकली इंडियन ट्रेडिशंस, ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन उससे पहले एक नोट डाउन कर लो, फिर वो दूसरा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन असाइनमेंट का कर लो नोट डाउन। बोलो। यस मैम। यस नो नो यस, किसी की आवाज नहीं आई। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सब लोग परेशान हो जाते होगे ना, यस मैम, नो मैम, यस मैम करके। नो मैम कहते होगे, कैसी मैडम है, हमसे बार बार यस नो करवाती रहती है बस, है ना? ऐसा ही है ना? आई कैन अंडरस्टैंड, बट द थिंक इज के ये जो डिजिटल हुआ है ना सब प्रॉब्लम, उसकी वजह से है, वरना सामने सामने कम्युनिकेशन करने का अलग ही मजा है। yes, yes, पता चल जाता है कौन समझ पा रहा है, कौन नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, अच्छा, सो बेसिकली द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन साधारणीकरण, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ साधारणीकरण, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ साधारणीकरण। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ साधारणीकरण एंड क्वेश्चन कोमा define the model of sadharanikaran, the model of sadharanikaran. ठीक है? Yes ma'am. ठीक है guys, इतना हो गया done. ठीक है, अभी देखो next जो हमारा subject है वो है the Indian traditional form of communication. So सबसे पहले क्या दिमाग में आता है, मतलब अगर इस लाइन को ही अगर बोला जाए कि इंडियन ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, क्या सबसे पहले क्लिक करता है माइंड में, सबसे पहले क्या आता है दिमाग में? एनीवन कैन गेस? मैम जैसे पुराने जमाने में वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन गाइस प्लीज। हाँ, कौन आंसर कर रहा है? बाकी सारा अपना ऑडियो म्यूट कर लो और वन बाय वन जो भी बता रहा है वो बस बोलो। यस, कौन आंसर कर रहा था? शुभम था। एनीवन कैन। भूमिका बताओ। यस मैम, जैसे पुराने जमाने में संस्कृत की लैंग्वेज में बात करते थे, बहुत उस टाइम पे तो बहुत सिंपल लैंग्वेज थी, तो उसी को जैसे हमारी जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत से ही बनी है, तो पुराने ट्रेडिशनल टाइम में संस्कृत की लैंग्वेज में बात करते थे, तो वो हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज है। ठीक है, सावन आप बताओ क्या सबसे पहले माइंड में आता है जब आप सुनते हो इंडियन ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन? सावन आवाज आ रहा है? सावन आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही है मुझे लग रहा है। मैम जैसे कि जो इंडियन ट्रेडिशनल फॉर्म्स में बताएं कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि नौटंकी हो गई और नाटक वगैरह जिनसे कि हम कम्युनिकेट करते थे, तो इंडिया में पुराने टाइम पे तो ऐसे ही था कि या तो ड्रामास या फिर जो नाटक वगैरह ऐसे होते थे उनके थ्रू ही लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे, अपने विचार एक दूसरे से बांटते थे। ठीक है, सो बेसिकली सावन ने बिल्कुल सही बोला है, इंडियन ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। सौरभ ने दिया आंसर, अच्छा ठीक है, क्योंकि मैंने सावन से पूछा था इसलिए मैंने सावन का नाम दिया। सौरभ, सो बेसिकली इंडियन ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स, बेसिकली इंडियन ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, एक ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें आपको
रिटन टेक्स्ट की जरूरत ना पड़े, ठीक है, आप क्या करो ओरल वे में कम्युनिकेट करो, मतलब कोई सवाल है, कौन बोल रहा है, मेरे को आवाज नहीं आ रही, सावन बोल रहा है, नेटवर्क इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, नहीं नहीं अभी हो गया, चलो अब हम आगे बढ़ गए, प्रोसीड कर गए आगे, ठीक है। सो बेसिकली जिस कम्युनिकेशन में हम लोग कह सकते हो कि टेक्स्ट नहीं करते, टेक्स्ट की लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ ओरल बेस्ड पर कम्युनिकेशन होती है, उसको हम इंडियन ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में सिर्फ एक पार्ट कम्युनिकेशन का आएगा, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, और इंडियन ट्रेडिशनल जो है वो इतिहास से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जितने भी हमारे पुराने जितने भी विलेजेस में जो लोग रह के आए हों, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हो गांव की जिंदगी को, वो इस चीज से शायद वाकिफ होंगे कि वहां पे कम्युनिकेशन कैसे किया जाता था, वहां पे किस तरह से बातचीत होती थी, ओरल ट्रेडिशंस वहां पे क्या होते थे, वहां पे ओरल ट्रेडिशंस होते थे फोक सॉन्ग्स, ठीक है, आप फोक गानों के थ्रू जो होते हैं वो फोक टेल्स जो होती थी, कहते थे ना कहानियां सुनाते थे, दादी कहानी सुनाती थी, नानी कहानी सुनाती थी, राइट, होता था इस तरह से किसी के साथ? Yes, ma'am. किसी ने दादी नानी की कहानी सुनी है? Yes, ma'am. Yes, ma'am, सुनी है, सुनी है ना, वो क्या होता था, ओरल वे में होती थी कम्युनिकेशन आपकी, वो हमारा ट्रेडिशनल फॉर्म था इंडिया का कम्युनिकेशन करने का, वो आपसे टेल्स सुनाते थे, आपके साथ बातचीत करते थे, उसमें कहानी सुनाते थे, ठीक है, सॉन्ग्स के थ्रू होता था, नौटंकी होती थी, ड्रामास होते थे, इवन जो सड़क किनारे जो नुक्कड़ नाटक होते थे पुराने, अगर हम बात करें जमाने की, तो नुक्कड़ नाटक के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता था, कई सोशल मैसेजेस को जो दिया जाता था वो भी आप देखेंगे पुराने जमाने में जब दिया जाता था, जब टीवी नहीं होता था, जब रेडियो नहीं होता था, उससे पहले जो भी कम्युनिकेशन होती थी उसमें एक आर्ट होती थी, चाहे वो म्यूजिक हो चाहे वो ड्रामा हो, ठीक है, तो उसके थ्रू जो है आपको मैसेज किया जाता था, कम्युनिकेशन किया जाता था, ठीक है गाइस, इतना समझ आ गया? यस मैम, यस मैम, एवरीबॉडी, यस मैम, यस मैम, ठीक है। अब हमारा कम्युनिकेशन का, अगर इस इंडियन फॉर्म की कम्युनिकेशन की बात करें, तो जैसे मैंने अभी बताया कि नुक्कड़ नाटक हो गया और ड्रामास हो गए, नोटंकी हो गई, कितने बच्चों ने देखा हुआ है एग्जैक्टली, मतलब किसी ने कुछ ऐसा कभी देखा, शायद पुराने जमाने में आप, मुझे नहीं आइडिया किसने देखा है, लेकिन गली मोहल्लों में एक वो कहते ना जादूगर आते थे जो कि स्टोरीज को पर्सनली करके दिखाते थे, उनके साथ एक दो लोग होते थे जो डांस करते थे, अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस को करते, एक मैसेज करते थे, किसी ने देखा हुआ है, आई एम श्योर किसी ना किसी ने देखा होगा जरूर, जब छोटे होते होगे तो जरूर देखा होगा, उस वक्त में भी होता था ये सब। Yes, ma'am. Do you think so कि जब इस तरह की कम्युनिकेशन होती थी जिसमें कोई रिटन लैंग्वेज नहीं होती थी, सिर्फ शब्द होते थे, एक्सप्रेशंस होते थे, आप उस चीज को समझ पाने में एबल थे, समझ पाते थे सब लोग? Yes, ma'am. Great, ma'am. Yes, ma'am. समझ पाते थे मैसेज? Yes, ma'am. क्या पूछा थी? आप सुन रहे हो मुझे? आपने क्या पूछा? मैंने ये पूछा कि जब भी आपने किसी भी तरह का अगर कोई नौटंकी देखा हो या फिर स्ट्रीट यू नो शोज देखे हो, जैसे हमारे जो कहते हैं कि स्ट्रीट होते थे, फॉर इंस्टेंस अभी भी आप कई बार दिल्ली हाट चले जाओ तो वहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नुक्कड़ नाटक कर रहे होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके की उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बजा कर वो एक सोशल मैसेज को पास ऑन करते हैं, जब वो सिर्फ ओरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो सिर्फ कम्युनिकेशन जो है ओरल वे में कर रहे होते हैं, उनका मैसेज क्लियर होता है या नहीं होता है? यस मैम, होता है, होता है ना? सो क्या लगता है कि कितना इफेक्टिव वे था वो बात करने का? कनक, कनक, यस मैम, क्या लगता है इफेक्टिव वे था वो बात करने का, ओरल जो लैंग्वेज है या ओरल वे में जो कम्युनिकेशन होता था? Yes, ma'am. इफेक्टिव तो था लेकिन शायद वो कई जगह पर लैग करता था क्योंकि हर बात कह नहीं सकते, वो तो बैरियर्स तो होता है, लेकिन आपको लगता है कि जो वीडियो हम देखते हैं दिखाई देता था,
नहीं बाबा मैं बात कर रही हूँ स्ट्रीट नाटक, स्ट्रीट्स की, नौटंकी की, मैं टीवी की बात ही नहीं कर रही, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ नौटंकी की, जो फोक है हमारा, जो ट्रेडिशंस जो हम लोगों फॉलो करते थे पहले। टीवी उस वक्त नहीं होता था, उस टाइम पे रेडियो नहीं होता था, विजुअल्स सिर्फ होते थे, तो आपके ऐसे विजुअल्स होते थे जिसमें आप इंसान को सामने खड़े हुए देखते थे, तो उस तरह के जो इंडियन ट्रेडिशंस की फॉर्म थी वो मोर इफेक्टिव होती थी कंपैरेटिव टू रिटन टेक्स्ट। ठीक है, जो रिटन टेक्स्ट होता था उसमें क्या बैरियर होती थी, लिटरेसी बैरियर होता था, हर कोई आपकी लैंग्वेज को पढ़ा लिखा हो जरूरी नहीं है, तो वो एक ऐसी लैंग्वेज, मतलब वो एक तरह से कह लो कि जो फॉर्म है, जो ओरल फॉर्म है, वो एक ऐसी फॉर्म है जिसको अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो भी समझ सकते हो, अगर आप छोटे बच्चे हो तो भी समझ सकते हो, बड़े हो तो भी समझ सकते हो, एज बैरियर नहीं है उसमें, उसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है, सो वो ज्यादा मोर इफेक्टिव वे होता है कम्युनिकेशन का कंपैरेटिव टू रिटन टेक्स्ट एंड द लैंग्वेज वन। ओके ओके गाइस, यस मैम। और ये कम्युनिकेशन जो शुरुआत, हाँ ठीक है, अगर ये कम्युनिकेशन हम बात करें ओरल जो हमारा ट्रेडिशन है, वो सबसे पहले कहाँ पे होता था, विलेजेस में होता था, शहर तो बाद में बने, सबसे पहले क्या होते थे, गांव होते थे, जहाँ पर इस तरह से कम्युनिकेशन जो है एक दूसरे से किया जाता था, या सोसाइटीज के साथ एक दूसरे कह सकते हो कि करा जाता था। अभी भी गांव देहात में क्या होता है, गांव देहात में ड्रामास जो होते हैं उसमें हफ्ते में या महीने में पूरे गांव को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसके बाद एक नाटक किया जाता है जिसमें किसी भी तरह का आप कह सकते हो कि सोशल इशू पे बेस्ड एक नाटक हो या फिर किसी भी फिल्म पर बेस्ड एक नाटक हो, उसको प्रेजेंट किया जाता है थ्रू 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 एक्सप्रेशंस, थ्रू बॉडी लैंग्वेज, थ्रू जेस्टर्स, थ्रू वॉइसेस। तो वो जो कम्युनिकेशन है आज भी, वो जो कम्युनिकेशन है अभी आ रहा है कनव, ठीक है, तो वो जो हमारा ट्रेडिशनल फॉर्म था कम्युनिकेशन का, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे था कंपैरेटिव टू रिटन लैंग्वेज। ठीक है गाइस, इतना क्लियर हो गया सबको? मैम जी, मैम यस मैम, ठीक है, यस मैम, ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या है, इसमें टाइप्स ऑफ बहुत कम्युनिकेशन है, ट्रेडिशनल फॉर्म्स का बहुत सारा वो है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बचा है। तो अगर अभी तक के जो यूनिट मैंने पढ़ाई फर्स्ट वाला और अभी जो मैंने टॉपिक कवर किया उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग, आई क्लियर इट आउट। एंड द सेकंड थिंग इज, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है, नाम बता दो प्लीज। हेलो मुस्कान, मुस्कान यस मैम, आपको समझ आया? हाँ जी मैम आया है, लेकिन नेटवर्क बहुत पुअर है तो मुझे कट कट की आ रही थी आवाज, पूरी नहीं आई। ऑफ दैट इज द बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर। यस मैम, द मॉड्यूल में नहीं लिख पाई। अच्छा एक काम करेंगे, मैं जितना भी नोट्स है वो यान को भेज दूंगी एंड आई विल से कि आप लोगों को आगे वो कर दिया जाए। मैं एक और चीज़ फीडबैक देना चाहूंगी, जितने भी बच्चों ने मुझे असाइनमेंट्स भेजे हैं, कईयों ने ओनली वन लाइनर आंसर दिया है, सिर्फ वन लाइन, मतलब जैसे मैं अभी समझाती हूँ क्लास में तो एक एक लाइन का आंसर। गाइस एक लाइन आंसर नहीं हो सकता है, आप एग्जाम में जब लिखोगे तो आपको बहुत एक्सपैंड में लिखना होगा, तो कोशिश करा करो थोड़ा सा अपने ऐड ऑन किया करो वर्ड्स को, कोशिश किया करो कि एक्सपैंड कर सको वर्ड्स को और उसको थोड़ा डिटेल में मतलब आंसर कर सको। एक चीज़ ये मेरा मतलब पर्सनल जो फीडबैक है वो मैंने जो 2-3 लोगों का पढ़ा उसके बाद मुझे लगा, काफ़ी चीज़ें जो हैं करेक्ट करके भेजूंगी क्योंकि उसमें काफी कुछ ऐसा था जो शायद गलत भी था, कईयों ने मतलब जो मैंने पढ़ाया उसको कुछ और समझा और उसके बाद उसका आंसर किया। एक दो बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने ऐसा आंसर किया है तो वो मैं आपका भेजूंगी जब, तो आप समझ जाओगे। और दूसरी चीज, अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकता है, कोई कंफ्यूजन हो तो, वरना मैं पूछ। मैंने अगर मैम अगर मैंने जैसे रिटर्न में अगर मैंने असाइनमेंट करा है तो मैं उसको स्कैन करके भेज सकती हूँ? हाँ हाँ स्कैन करके आप भेज दो, स्कैन भेज दो एंड मैं उसको नोट डाउन करके जैसा भी होगा वो आगे कर दूंगी। एनी कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट, मतलब जितना एटलीस्ट पढ़ाई की है वो, उसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम, नो मैम, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ऐसा तो नहीं है कि मतलब सुना और भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ाई थोड़ा इस तरह समझ रहे, पता रहे। ठीक है सृष्टि जी मैम, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? नो मैम। एनी फीडबैक यू वांट टू गिव मी यू कैन आल्सो गिव दैट।
the way I am teaching is the fine with you guys. अगर किसी को लगता है कोई barrier है तो बता दो. No, ma'am. Ma'am, it's fine. I am open to take your criticism. Yes, anybody? Anyone? फीडबैक दे सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है. मतलब ठीक है ना, अभी तक जितना तुम लोगों को समझ आ रहा है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं जो समझा रही हूँ ऊपर से निकल रहा है, क्योंकि हम भी पढ़कर आए हैं, इसीलिए पूछ रही हूँ. होता है अक्सर. सबके साथ सब क्लियर है, कोई इशू नहीं है? ठीक है, तो अब इस हफ्ते क्या करने वाले हो तुम लोग? मस्ती करने वाले हो या पढ़ाई भी करोगे थोड़ी? सृष्टि थोड़ा सा पढ़ लेना यार, थोड़ा सा पढ़ लेना यार. ठीक है, ठीक है. मुस्कान, आपके पास आवाज आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ लेना पक्का. ठीक है प्रेरणा? यस मैम. कनव, कनव? यस मैम, यस मैम. यू टुक न्यू हेयर कट आई गेस.